What is the one thing that students lack when getting an internship or a job, especially in the field of finance? Finance is an intensive field and requires deep knowledge to get the work done. अगर आप भी कॉलेज में हो और फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, then this video is a complete roadmap to your dream company. आज हम बात करेंगे उन सारे फाइनेंस कोर्सेज की जिनको अगर आप अपनी फुल कॉन्सेंट्रेशन और एफर्ट के साथ करते हो तो आपको सारी नॉलेज एंड सारे स्किल्स को एक्वायर कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगी टू डू एनी इंटर्नशिप एंड एनी जॉब दैट यू वांट टू डू. वी विल टॉक अबाउट 4 फ्री कोर्सेज एंड 1 वर्चुअल इंटर्नशिप विच इज एन एब्सोल्यूटली जेम ऑन द इंटरनेट. एंड यार, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉमर्स या फाइनेंस बैकग्राउंड वालों के लिए वीडियो है. इफ यू आर समवन हु हैज अ डिफरेंट बैकग्राउंड, देन तब भी आप इनको कर सकते हो, बिकॉज आई हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स. नंबर 1, द फाइनेंशियल मार्केट्स कोर्स ऑफर्ड बाय येल यूनिवर्सिटी. ये कोर्स ना आपको इजीली कोर्सेरा पे मिल जाएगा. And I'll put the link below to make it more convenient for you guys. ये course complete करने में आपको approximately 33 hours लगेंगे. But trust me यार, वो पूरे का पूरा time worth it होगा. For anyone who is just starting in the field of finance, ये course एकदम perfect होगा. तो अगर आप course के structure को भी देखते हो ना, it starts from very basics like what is financial markets, CAPM क्या होता है, insurance क्या होता है, Gordon growth model को कैसे use करते हैं, and all these things. They have even dived deep into to behavioral finance, forecasting, debt, inflation, recession and everything else that you need to know. Finance ke almost sare ke sare important topics iske andar covered hai, to koi bhi miss karo, but ye bilkul bhi miss mat karna. So ab aapke basics hai ekdam clear, so let's take it to a new level. To agla aata hai The Pre-MBA Statistics Course by IIM Ahmedabad. ये कोर्स भी आपको कोर्सेरा पे मिल जाएगा, and I'll put the link below. देखो, as a student of core finance, आपको डेटा और नंबर से ना प्यार होना चाहिए अंदर से. You need to make sure कि आपको statements और डेटा summarize, analyze and interpret करना आता हो, because on the basis of data the companies forecast and then plan their operations. And ये पूरी की पूरी knowledge आपको इसी course से मिल जाने वाली है. This course mainly focuses on understanding and analyzing data as well as statements. After completion आपको IIM अहमदाबाद से certificate भी मिलेगा, which is काफी ज़्यादा credible. And best बात बताता हूँ, all these courses are completely free of cost. So अपना यार ये समझना काफी ज़रूरी है कि चाहे internship हो या फिर job, Microsoft Excel is kind of mandatory. तो अगर हमको एक्सेल सीखनी है, उसके सारे के सारे फीचर्स आने चाहिए, और कोई चाहिए फ्री कोर्स, तो दैट ब्रिंग्स मी ऑन द थर्ड कोर्स, दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ डेटा एनालिसिस इन एक्सेल बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट. अगर आप फाइनेंशियल एंड बिजनेस एनालिस्ट जैसी पोजीशंस को टारगेट कर रहे हो, जो कि काफी स्टूडेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि उनको वो करना है, देन दिस कोर्स इज अ मस्ट फॉर यू गाइस. अब पता इशू क्या आता है, एक्सेल चाहिए हर एक जॉब में, हर एक इंटर्नशिप में, लेकिन हमारे स्कूल या हमारे कॉलेज के अंदर ना हमको एक्सेल से 10% भी एक्सपोजर मिलता ही नहीं, तो ये और भी जरा जरूरी बन जाता है. तो इसके अंदर सारे के सारे चीजें कवर होंगी, चाहे वो पिवट चार्ट्स हो, लुकअप्स फंक्शन हो, मैच फंक्शन हो, एंड एवरीथिंग एल्स दैट यू नीड टू डू टू मास्टर दिस brilliant software. Whenever it comes to financial planning, another very important thing is risk management. कोई भी investment करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस investment के साथ में कितना risk associate है, और वो इंसान जो investment कर रहा है उसका personal risk appetite कितना है, and what are the possible ways to reduce या फिर mitigate that risk. This brings me on to the next course. Number 4, risk management and insurance planning again by CFI, that is called Corporate Finance Institute. Financial risk ना यार एक ऐसी चीज है जो आप anyway ignore नहीं कर सकते हो, चाहे ये एक individual के लिए हो या फिर एक बड़ी सी company के लिए. But आप ऐसा क्या कर सकते हो, to understand the potential risk exposure and then उसको समझने के बाद उसको mitigate करना. So this course will help you exactly with that. किसी भी investment के साथ risk potential कितना है और उसको आप कैसे reduce कर सकते हो, क्या techniques है, क्या ways है, सब कुछ इसमें cover होने वाला है. So अगर आप एक financial planner या फिर एक risk manager बनना चाहते हो, then this course is for you. यहाँ तक कि insurance products use करके आप कैसे अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए एक प्लान बनाते हो, वो भी आप इसमें सीखने वाले हो. अब देखो, जितनी भी इम्पोर्टेंट स्किल्स है या जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो ये चार कोर्सेज तो आपको सिखाई देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है इन सब चीजों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना.
So here is the investment banking virtual internship offered by none other than JP Morgan. ये program आप theforage.com से access कर सकते हो. This program is built so beautifully कि आपको realize भी नहीं होगा यार कि आप ये virtually कर रहे हो. There will be videos, audios as well as texts to guide you throughout the duration. So you will be presented with a problem and उसके साथ को उसको जो भी solve करने के लिए आपको data चाहिए, जो भी आपको numbers चाहिए, that will all be provided to you. Ab different projects pe kaam karoge, that will be based on mergers and acquisitions, financial planning and financial analysis. Project complete hone ke baad mein aapko JP Morgan se bhi ek certificate milega, and if they really like you, they might even hire you. Finance is one of the top industries globally, and if you want to make a career in finance, you need to make sure ki aap ye cheezon ko strike off karte chalo. So theoretical knowledge is required, lekin 100% प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है. तो ध्यान रहे कि जो भी कोर्सेज आप करते हो, और अगर आप फाइनेंस के फील्ड के नहीं भी हो तो भी जो भी थ्योरेटिकल चीजें आप सीखते हो उसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आना चाहिए. कि लेट्स अज्यूम इंटर्नशिप नहीं भी मिलती ना, यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स ऑफ योर ओन, एंड अगर दोनों चीजें कर ली, यू विल बी एबल टू गेट एनी इंटर्नशिप, एनी जॉब इन एनी फील्ड दैट यू वॉन्ट. तो मैं इन सारे के सारे कोर्सेज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको आप चेकआउट कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड इफ यू वांट मी टू कवर एनी टॉपिक, अगेन कमेंट्स में डाल दो यार उसको, और मैं उस पर हमेशा वीडियो बनाता हूँ. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन कीप क्लाइंबिंग द लैडर. सी यू सून.